दोस्तों एक खबर निकल कर आ रही है कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है। देश में आर्थिक तंगी के खतरनाक हालात देखने को मिल सकते हैं। खतरनाक आर्थिक तंगी के आसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि उनके प्रदेश में जॉब की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ यूपी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों के 6 भत्तों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कर्मचारियों में आक्रोश उभरने के आसार दिख रहे हैं। जनसत्ता ने खबर दी है कि उत्तर प्रदेश ने 24 अप्रैल को ही जारी एक आदेश में डीए के अलावा 6 अन्य भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया था। अब सरकार यूपी के सभी सरकारी कर्मचारियों के 6 भत्तों को हमेशा के लिए खत्म करने पर विचार कर रही है। जो भत्ते स्थगित किए गए हैं और जिन्हें समाप्त करने का यूपी सरकार सोच रही है, उनमें नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, विजिलेंस एवं अन्य जांच विभागों के अधिकारियों को मिलने वाला विशेष भत्ता, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता, सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला I&P भत्ता और अर्दली भत्ता भी शामिल है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, हम उन भत्तों को समाप्त करने जा रहे हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने भी समाप्त किया है। वित्त मंत्री ने माना कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां सुस्त हैं। वित्त मंत्री खन्ना ने कहा, अप्रैल माह में बीते साल 12,141 करोड़ का राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को मिला, जबकि इस वर्ष अप्रैल में 1,178 करोड़ का राजस्व ही कुल खजाने में आया है। अब इससे दो बातें सामने सवाल बनकर आ रही हैं। पहली, यूपी सरकार ने यह तो माना कि आर्थिक कंगाली के हालात बन चुके हैं, मगर अधिकारियों कर्मचारियों के भत्ते तो कम किए गए, किसी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के खर्चों में कोई कटौती नहीं की गई है, क्यों? विकास के लिए नेता जरूरी है या विभाग, यह जनता तय करे। क्या यही अच्छे दिन आने वाले थे? दोस्तों एक अगली खबर है। एक सर्वे के अनुसार 86% कर्ज लेने वाले लोग इस देश में इस बात को लेकर परेशान हैं कि किस्तों में जो छूट की समय सीमा सरकार ने तय की है, उसके बाद वह लोग किस्तें कैसे दे पाएंगे। जब सरकार द्वारा दी गई यह समय सीमा समाप्त हो जाएगी, तो इसके बाद वह लोग बैंकों में यह किस्तें कैसे दे पाएंगे, इस बात को लेकर देश के 86% लोग बेहद परेशान हैं। इधर दोस्तों एक और खबर आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर 7 बड़ी राहतें देने की घोषणा जल्द कर सकते हैं। एक और खबर है, बीजेपी शासित राज्यों एमपी और यूपी में श्रम कानूनों लेबर कानून में ढील दी गई है। इसके विरोध में विपक्षी दल तो दूर हैं, मगर आरएसएस से जुड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ इसके विरोध में उतर आया है। चीनी सस्ते श्रमिकों को लेकर भी पिछले सप्ताह इस मजदूर संघ ने मोदी सरकार का विरोध किया था। मैं रम्मू सिंह, मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर अवश्य बताएं।